स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, ए बी रेखा के बाहर बिंदु के से गुजरती हुई समानांतर रेखा खींचो। ए बी रेखा के बाहर बिंदु के से गुजरती हुई हमें समानांतर रेखा खींचनी है। तो प्रश्न को करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी रेखा लेनी होगी। ये मैंने एक रेखा ले ली है और रेखा को नाम दिया है ए बी। ए बी रेखा के बाहर हमें एक बिंदु लेना है और बिंदु को हमें नाम देना है के, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है ए बी रेखा के बाहर दिए गए बिंदु के से ए बी के समानांतर रेखा खींचो। अब हमें ए बी रेखा पर कोई बिंदु लेना है इस किनारे पर, और बिंदु को हमें कोई ना कोई नाम देना है। यहां पर मैंने बिंदु को नाम दिया है S। अब हमें बिंदु S से K तक अपनी प्रकार को खोलना है। S से K तक हमें प्रकार को खोलना है और हमें नीचे की ओर एक चाप लगानी है। ये मैंने S से K तक अपनी प्रकार को खोलकर एक चाप लगाई है रेखा AB पर जो स्पर्श कर रही है। जहां चाप AB रेखा को स्पर्श कर रही है वहाँ भी हमें बिंदु को कोई ना कोई नाम देना है। यहाँ पर मैंने नाम दिया है N। अब हमें बिंदु K से S तक प्रकार को खोलना है और एक चाप हमें लेनी है ऊपर की ओर। बिंदु K से S तक हमें प्रकार खोलनी है। वैसे तो आपकी प्रकार बिंदु K से S तक ही रहेगी जब आप बिंदु S से K तक पहली चाप लगाओगे और अपनी प्रकार को बिना हिलाए आप देखोगे आपकी प्रकार बिंदु K से S तक है। फिर भी हमें बिंदु K से S तक अपनी प्रकार को खोलना है और ऊपर की ओर हमें एक चाप लेनी है। चाप को अच्छे से डॉट्स में लेना है। ये मैंने चाप ले ली है। अब हमें बिंदु N से K तक अपनी प्रकार को खोलना है। बिंदु N से हमें K तक प्रकार को खोलना है। और यही दूरी हमें यहाँ पर भी लेनी है, यानी यहाँ पर दोनों ही चाप एक दूसरे को काट रही है, तो बिंदु को हमें कोई ना कोई यहाँ पर नाम देना है। यहाँ पर मैंने नाम दिया है C। अब हमें बिंदु C और K को आपस में मिलाना है, अपने स्केल को अच्छे से सेट करना है बिंदु C और K पर। और एक रेखा हमें ऐसे खींचनी है।
और रेखा को हमें नाम देना है सी डी। आप देख सकते हो सी डी रेखा हमें प्राप्त हो गई है, जो कि रेखा ए बी के समानांतर है और बिंदु के से गुजरती हुई जा रही है। प्रश्न में पूछा गया था ए बी रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु के से समानांतर रेखा खींचो। तो ये था प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 7।